उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। मैं आपको ही पूछता हूं, या सुप्रीम कोर्ट को सो कॉल नोटिस कहीं नहीं पता लगा? बताइए आप, क्या इस कानून व्यवस्था है, देश कहां चलेगा? हम केवल इसलिए आपसे आह्वान कर रहे हैं, आप पत्रकारों से भी सहयोग चाहते हैं, हम सब आप पत्रकारों को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये जिहाद आपको भी नहीं छोड़ने वाला, आपके मीडिया को भी नहीं छोड़ने वाला। आप सब बचो, हम सब बचे, मानवता बचे। क्योंकि आप देखो बोल ही नहीं रहे, आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वहां मस्जिद से जो घोषणा हो गई है इनकी हत्या करने की, महात्माओं ने बड़े बोल बोल दिए, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी लगा, तो ये आप कर दो, क्योंकि आपको भी खतरा बना रहता है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो, लेकिन कहना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल कहना पड़ेगा। सारी मस्जिदों के फतवे जारी हुए, लेकिन हमने तो कहीं सुना नहीं टीवी में आया किसी में फतवे जारी हो गए। अगर उन्हीं यहाँ पर न्याय इस धर्म संसद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो न्यायपालिका है या धर्म संसद है, वो सोचे कि हमने गलत क्या कहा, लेकिन उनको ये भी फिर फैसला करना पड़ेगा, उस ग्रंथ के खिलाफ भी फैसला करना पड़ेगा जो हमारी हत्या करने के लिए उत्तेजित करता है एक मुसलमानों को, मुसलमानों को जो सनातन धर्म के लोगों को हत्या करने के लिए अपनी किताब में लिखे, उस पर भी फैसला करना पड़ेगा, उसको भी रोकना पड़ेगा। हमने अपनी हक की बात कही है, जब अदालत में कोई मामला आएगा तो हमारा वकील देख लेगा। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे, हमने उसके लिए एक FIR तैयार की है, वो FIR की कॉपी अभी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। FIR में हम यहां की जो देवनगरी है इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ, वो दोषी हैं। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे, ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। उसमें कुछ क्या मुकदमा दर्ज कराने की? नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं तहरीर में क्या है। अच्छा, उसके बाद जो भी होगा। हाँ, देखते हैं उसके बाद। क्या मांग तहरीर में, क्या मांग? अभी कुछ ने अभी देखा नहीं, हम लोगों ने तहरीर दी है। किसने दी है कोतवाल साहब तहरीर? ये हमारे यति नरसिंहानंद जी और जो दूसरे जो त्यागी जी बैठे हैं उनके माध्यम से दिए है ना।